आज माइक्रोमैक्स ने अपनी एक और नई स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 2 को लॉन्च किया है, जिसमें कंपनी दो कलर ऑप्शन ब्लैक और ब्राउन ऑप्शन दे रही है। डिस्प्ले में 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन के साथ दी गई है, जिसमें 550 nits ब्राइटनेस देखने को मिल जा रही है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी इसमें दिया गया है। तो एक कैमरे की बात करें तो रियर में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पे 48 मेगापिक्सल की मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। तो इसमें बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 30 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और टाइप सी पोर्ट इसमें दिया गया है। तो इसमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा हुआ है, फेस अनलॉक भी मिल जाता है। हालांकि ये स्मार्टफोन 4G कनेक्टिविटी के साथ आती है, जिसका जो वेट है 205 ग्राम तक है, और इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक भी दिया गया है। तो स्टोरेज की बात करें तो सिंगल स्टोरेज के साथ मिलेगा, जिसमें 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज मिल जाती है, और इसकी स्टोरेज आप 256GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड 11 OS के साथ मिलेगी। तो अगर प्राइसिंग की बात करें तो 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ 12,490 रुपीज़ तक, यानी कि 12,490 रुपये तक इसकी प्राइस रखी गई है, और इसकी जो पहली सेल है 30 जनवरी को 12 बजे से स्टार्ट होगी, उस समय इसकी प्राइस इतना देखने को मिलेगी। बाकी इसके सेल के बाद इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ने वाली है। तो अगर आप 30 जनवरी के पहले सेल में इसको परचेस करते हैं तो आपको 12,490 रुपये की पड़ेगी। तो माइक्रोमैक्स की नई स्मार्टफोन आपको कैसी लग रही है? काफ़ी इसमें अच्छी डिजाइनिंग भी देखने को मिल रही है और फीचर्स भी आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाते हैं इसके प्राइस के हिसाब से। तो ये नई स्मार्टफोन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।